हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास यूजफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो ये डिज़ाइन मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं आपको पहले डिज़ाइन दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाया था फ्रेंड्स। तो आज हम इसी डिज़ाइन का यूज कर रहे हैं। तो देखिए मेरा पीस, ये मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा कम छोटा बनाया था। अब मुझे जितना चाहिए मैंने उसके हिसाब से इसमें पीस ऐड कर लिए हैं। तो हमारा एक ये हो गया पीस, और हमने चार पट्टियाँ ले ली हैं बड़ी बड़ी, ये हो गई, ये चार पट्टियाँ हो गई फ्रेंड्स हमारी। और एक ये हमारा पुराना पीस हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इस पुराने पीस को हम बिछा लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि आज हम इसका आसन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं पहले पुराना पीस रख लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से सेट हो गया। तो ये पीस मैंने इसके मुकाबले थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है फ्रेंड्स, ताकि जब हम सिले तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा हो वो हम बाद में इसको कट कर लेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स, मैंने आपको पट्टियाँ बता ही दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी ये थोड़ा कपड़ा ज़्यादा थिक नहीं हुआ है, ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, तो इसके अंदर हम अभी एक पीस और बिछा लेंगे। तो मैं एक पीस और ले लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक कपड़ा और ले लिया है जो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो मैं इसके अंदर ये लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। ये इस तरीके से हम इसको अंदर बिछा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हमने ये बिछा लिया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको पिनअप करेंगे। तो हम यहाँ सारी जगह पिन लगा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पिन लगा ली है थोड़ी थोड़ी दूर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मैचिंग का थ्रेड लेंगे, चाहे आप ये वाला लो या ये वाला लो, एक थ्रेड लेंगे और उसको हम सीधा सीधा सिलेंगे। एक बार इस तरीके से सिल देंगे तो दूसरा इस तरीके से सिल देंगे, और अगर आप चाहें तो एक सिलाई ऐसे इसी बीच में जो जॉइंट आ रहे हैं उन पर ही सिलाई कर दीजिए। तो मैं इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये अच्छे तरीके से सिल गया है, कोई सिलवट वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा फिनिशिंग से सिला फ्रेंड्स। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पट्टियों को लेंगे और हमें चारों तरफ ये पट्टियाँ जॉइंट करनी है। तो दो पहले छोटी वाली पट्टियाँ ले लेते हैं। तो ये हमारी छोटी पट्टियाँ हैं और ये हमारी बड़ी पट्टियाँ हैं। तो पहले हम छोटी छोटी को जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये साइड साइड में से जॉइंट कर लेंगे। तो पहले हम पीछे इसको सिलेंगे, इस तरीके से रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ रख के, और ऐसे हम सिल देंगे। तो हम इसको आधे इंच पर, एक इंच पर हम इसे मार्क कर रहे हैं। तो हमें ये एक इंच पर सिलना है इस तरीके से फ्रेंड्स। तो हम एक इंच की पट्टियाँ सिल लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक ये इसको यहाँ से सिल लेंगे पूरा, और इसको भी हम ऐसे ही सिल लेंगे। तो इधर भी ये हमारा ही ये भी हो गया फ्रेंड्स। तो इसको भी हम सीधे सिल लेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये पट्टी जुड़ गई है, ऐसी हमारी ये जुड़ गई है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये भी जुड़ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पलटेंगे।
तो इसको हम अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इसको हम इस तरीके से लेंगे और जो हमारा इतना इतना मार्जिन लेके इसको इसी सिलाई पे, जो हमारी ये सिलाई आई हुई है इसी पर ही हम इसको पलट लेंगे। तो सिलने से पहले आप पिनअप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ सिलना है और कपड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से ऐसे करके हम फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ले लेंगे, सीधा कर देंगे। और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये दोनों पट्टियाँ जुड़ गई हैं और देखिए कितनी फिनिशिंग से जुड़ी हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ ऊपर की पट्टी और यहाँ नीचे की पट्टी को जॉइंट करना है। तो हमने ये पीस ले लिया फ्रेंड्स। तो ये हमारे दो पीस हैं।